को स्वागत प्रथमे हेडलाइंस प्रधानमंत्री का मन की बात संस्करण देशवासी संबोधित करे प्रधानमंत्री मोदी एवं कोरोना तृतीय लहर पर उठने परता बलांगीर गजपति पुलिस पांच टीम एलआईटीसी तालीम केन्द्र ने ब्याचलर पार्टी सार्क दुई थर बलांगीर जा चर्चा किए से पुलिस छाने हाइकर एनकाउंटर स्थान में टीम सिमु एनएच सिक्स कलेज निकट में टीम तदंत तो करदे आज जीव हाइकर मृतदेह विशृंखला दृष्टि केन्द्रापड़ा सहरां समेत चारोटी पंचायत शहे चौरालीस धारा लागू अलंपिक्स में सहज विजय सिंधु का अभिचान आरंभ रोईंगे अर्जुन और अरविंद को जोड़ी सेमि मिक्सड डबल्सर आगे

सेप्टे जुलाई 28 रासूची आवे को नखुचा संपूर्ण खबर पर नजर पकाइबा एवं मन के बात जरिया रे को संबोधित तो करूछनते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसन नजर पकाइबा शुरू हो चुका है आप भी अपनी टीम के साथ अपना विक्टरी पंच शेयर करिए इंडिया के लिए चीयर करिए साथियों जो देश के लिए तिरंगा उठाता है उसके सम्मान में भावनाओं से भर जाना स्वाभाविक ही है देशभक्ति की ये भावना हम सबको जोड़ती है कल यानी 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस भी है करगिल का युद्ध भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम का ऐसा प्रतीक है जिसे पूरी दुनिया ने देखा है इस बार ये गौरवशाली दिवस भी अमृत महोत्सव के बीच में मनाया जाएगा इसलिए ये और भी खास हो जाता है मैं चाहूंगा कि आप करगिल की रोमांचित कर देने वाली गाथा जरूर पढ़ें करगिल के वीरों को हम सब नमन करें साथियों इसलिए ये और भी खास हो जाता है मैं चाहूंगा कि आप करगिल की रोमांचित कर देने वाली गाथा जरूर पढ़ें करगिल के वीरों को हम सब नमन करें साथियों इस बार 15 अगस्त को देश अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहा है यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिस आजादी के लिए देश ने सदियों का इंतजार किया उसके 75 वर्ष होने के हम साक्षी बन रहे हैं आपको याद होगा आजादी के 75 साल मनाने के लिए 12 मार्च को बापू के साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई थी इसी दिन बापू की दांडी यात्रा को भी पुनर्जीवित किया गया था तब से जम्मू कश्मीर से लेकर पुडुचेरी तक गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर तक देश भर में अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम चल रहे हैं कई ऐसी घटनाएं ऐसे स्वाधीनता सेनानी जिनका योगदान तो बहुत बड़ा है लेकिन उतनी चर्चा नहीं हो पाई आज लोग उनके बारे में भी जान पा रहे हैं अब जैसे मोरांग डे को ही लीजिए मणिपुर का छोटा सा कस्बा मोयरांग कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए का एक प्रमुख ठिकाना था यहां आजादी के पहले ही आईएनए के कर्नल शौकत मलिक जी ने झंडा फहराया था अमृत महोत्सव के दौरान 14 अप्रैल को उसी मोरांग में एक बार फिर तिरंगा फहराया गया ऐसे कितने ही स्वाधीनता सेनानी और महापुरुष हैं जिन्हें अमृत महोत्सव में देश याद कर रहा है सरकार और सामाजिक संगठनों की तरफ से भी लगातार इससे जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ऐसा ही एक आयोजन इस बार 15 अगस्त को होने जा रहा है एक प्रयास है राष्ट्रगान से जुड़ा हुआ सांस्कृतिक मंत्रालय की कोशिश है कि इस दिन ज्यादा से ज्यादा भारतवासी मिलकर राष्ट्रगान गाएं इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई है राष्ट्रगान डॉट इन इस वेबसाइट की मदद से आप राष्ट्रगान गाकर उसे रिकॉर्ड कर पाएंगे इस अभियान से जुड़ पाएंगे मुझे उम्मीद है आप इस अनोखी पहल से जरूर जुड़ेंगे इसी तरह के बहुत सारे अभियान बहुत सारे प्रयास आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे अमृत महोत्सव किसी सरकार का कार्यक्रम नहीं किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं यह कोटि कोटि भारतवासियों का कार्यक्रम है हर स्वतंत्र और कृतज्ञ भारतीय का अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन है और इस महोत्सव की मूल भावना का विस्तार तो बहुत विशाल है ये भावना है अपने स्वाधीनता सेनानियों के मार्ग पर चलना उनके सपनों का देश बनाना जैसे देश की आजादी के मतवाले स्वतंत्रता के लिए एकजुट हो गए थे वैसे ही हमें देश के विकास के लिए एकजुट होना है हमें देश के लिए जीना है देश के लिए काम करना है और इसमें छोटे छोटे प्रयास भी बड़े नतीजे ला देते हैं रोज के कामकाज करते हुए भी हम राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं जैसे वोकल फॉर लोकल हमारे देश के स्थानीय उद्यमियों आर्टिस्टों शिल्पकारों बुनकरों को सपोर्ट करना हमारे सहज स्वभाव में होना चाहिए सात अगस्त को आने वाला नेशनल हैंडलूम डे एक ऐसा अवसर है जब हम प्रयास पूर्वक भी ये काम कर सकते हैं नेशनल हैंडलूम डे के साथ बहुत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जुड़ी हुई है इसी दिन 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी साथियों हमारे देश के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में हैंडलूम कमाई का बहुत बड़ा साधन है ये ऐसा क्षेत्र है जिससे लाखों महिलाएं लाखों बुनकर लाखों शिल्पी जुड़े हुए हैं आपके छोटे छोटे प्रयास बुनकरों में एक नई उम्मीद जगाएंगे आप स्वयं कुछ न कुछ खरीदें और अपनी बात दूसरों को भी बताएं और जब हम आजादी के 75 साल बना रहे हैं तब तो इतना करना हमारी जिम्मेवारी बनती ही है भाइयों आपने देखा होगा साल 2014 के बाद से ही मन की बात में हम अक्सर खादी की बात करते हैं ये आपका ही प्रयास है क्या देश में खादी की बिक्री कई गुना बढ़ गई है क्या कोई सोच सकता था कि खादी के किसी स्टोर से एक दिन में एक करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री हो सकती है लेकिन आपने ये भी कर दिखाया है आप जब भी कहीं पर खादी का कुछ खरीदते हैं तो इसका लाभ हमारे गरीब बुनकर भाइयों बहनों को ही होता है इसलिए खादी खरीदना एक तरह से जन सेवा भी है देश सेवा भी है मेरा आपसे आग्रह है कि आप सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों ग्रामीण इलाकों में बन रहे हैं। हैंडलूम प्रोडक्ट्स जरूर खरीदें और उसे हैशटैग माय हैंडलूम माय प्राइड के साथ शेयर करें साथियों बात जब आजादी के आंदोलन और खादी की हो तो पूज्य बापू का स्मरण होना स्वाभाविक है जैसे बापू के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चला था वैसे ही आज हर देशवासी को भारत जोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करना है ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपना काम ऐसे करें जो विविधताओं से हमारे भारत को जोड़ने में मददगार हो तो आइए हम अमृत महोत्सव को ये अमृत संकल्प लें कि देश ही हमारी सबसे बड़ी आस्था सबसे बड़ी प्राथमिकता बना रहेगा नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट के मंत्र के साथ ही हमें आगे बढ़ना है मेरे प्यारे देशवासियों आज मैं मन की बात सुन रहे मेरे युवा साथियों का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं अभी कुछ दिन पहले ही माए गांव की ओर से मन की बात के श्रोताओं को लेकर एक स्टडी की गई थी इस स्टडी में यह देखा गया कि मन की बात के लिए संदेश और सुझाव भेजने वालों में प्रमुखतः कौन लोग हैं। स्टडी के बाद यह जानकारी सामने आई कि संदेश और सुझाव भेजने वालों में से करीब करीब 75 प्रतिशत लोग 35 वर्ष की आयु से कम के होते हैं यानी भारत की युवा शक्ति के सुझाव मन की बात को दिशा दे रहे हैं मैं इसे बहुत अच्छे संकेत के रूप में देखता हूं मन की बात एक ऐसा माध्यम है जहां सकारात्मकता है संवेदनशीलता है मन की बात में हम पॉजिटिव बातें करते हैं इसका कैरेक्टर कलेक्टिव है सकारात्मक विचारों और सुझावों के लिए भारत के युवाओं की ये सक्रियता मुझे आनंदित करती है मुझे इस बात की भी खुशी है कि मन की बात के माध्यम से मुझे युवाओं के मन को भी जानने का अवसर मिलता है साथियों आप लोगों से मिले सुझाव ही मन की बात की असली ताकत है आपके सुझाव ही मन की बात के माध्यम से भारत की विविधता को प्रकट करते हैं भारतवासियों के सेवा और त्याग की खुशबू को चारों दिशाओं में फैलाते हैं हमारे मेहनत का सीवाओं के इनोवेशन से सबको प्रेरित करते हैं मन की बात में आप कई तरह के आइडियाज भेजते हैं हम सभी पर तो चर्चा नहीं कर पाते लेकिन उनमें से बहुत से आइडियाज को मैं संबंधित विभागों को जरूर भेजता हूं ताकि उन पर आगे काम किया जा सके साथियों मैं आपको साई प्रणीत जी के प्रयासों के बारे में बताना चाहता हूं साई प्रणीत जी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं पिछले वर्ष उन्होंने देखा कि उनके यहाँ मौसम की मार की वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था मौसम विज्ञान में उनकी दिलचस्पी बरसों से थी इसलिए उन्होंने अपनी दिलचस्पी और अपने टैलेंट को किसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया अब वे अलग अलग डेटा सोर्सेज से वेदर डेटा खरीदते हैं उसका विश्लेषण करते हैं और स्थानीय भाषा में अलग अलग माध्यमों से किसानों के पास जरूरी जानकारी पहुंचाते हैं वेदर अपडेट्स के अलावा प्रणीत जी अलग अलग क्लाइमेट कंडीशंस में लोगों को क्या करना चाहिए गाइडेंस भी देते हैं खासकर बाढ़ से बचने के लिए या फिर तूफान या बिजली गिरने पर कैसे बचा जाए इस बारे में भी वो लोगों को बताते हैं साथियों एक और इस नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर का यह प्रयास दिल को छूने वाला है तो दूसरी ओर हमारे एक साथी के द्वारा किया जा रहा टेक्नोलॉजी का उपयोग भी आपको अचंपित कर देगा ये साथी हैं ओडिशा के संबलपुर जिले के एक गांव में रहने वाले श्रीमान ईशाक मुंडा जी ईसाक जी कभी एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते थे लेकिन अब वे एक इंटरनेट सेंसेशन बन गए हैं अपने यूट्यूब चैनल से वो काफी रुपये कमा रहे हैं वे अपने वीडियोज में स्थानीय व्यंजन पारंपरिक खाना बनाने के तरीके अपने गांव, अपने लाइफस्टाइल, परिवार और खान पान की आदतों को प्रमुखता से दिखाते हैं एक यूट्यूबर के रूप में उनकी यात्रा मार्च 2020 में शुरू हुई थी जब उन्होंने ओडिशा के मशहूर स्थानीय व्यंजन पखाल से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया था तब से वे सैकड़ों वीडियो पोस्ट कर चुके हैं उनका यह प्रयास कई कारणों से सबसे अलग है खासकर इसलिए कि इससे शहरों में रहने वाले लोगों को वो जीवन शैली देखने का अवसर मिलता है जिसके बारे में वे बहुत कुछ नहीं जानते इसाक मुंडा जी कल्चर और कुज़िन दोनों को बराबर मिलाकर के सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम सबको प्रेरणा भी दे रहे हैं साथियों जब हम टेक्नोलॉजी की चर्चा कर रहे हैं तो मैं एक और इंटरेस्टिंग विषय की चर्चा करना चाहता हूं आपने हाल फिलहाल में पढ़ा होगा देखा होगा कि आईआईटी मद्रास के एलुमनी द्वारा स्थापित एक स्टार्टअप ने एक थ्री प्रिंटेड हाउस बनाया है थ्री प्रिंटिंग करके घर का निर्माण आखिर यह हुआ कैसे दरअसल इस स्टार्टअप ने सबसे पहले थ्री प्रिंटर में एक थ्री डायमेंशनल डिजाइन को फीड किया और फिर एक विशेष प्रकार के कंक्रीट के माध्यम से लेयर बाय लेयर एक थ्री स्ट्रक्चर फैब्रिकेट कर दिया आपको यह जानकर खुशी होगी कि देश भर में इस प्रकार के कई प्रयोग हो रहे हैं एक समय था जब छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन के काम में भी वर्षों लग जाते थे लेकिन आज टेक्नोलॉजी की वजह से भारत में स्थिति बदल रही है कुछ समय पहले हमने दुनिया भर की ऐसी इनोवेटिव कंपनीज को आमंत्रित करने के लिए एक ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज लॉन्च किया था यह देश में अपनी तरह का अलग तरह का अनोखा प्रयास है इसलिए हमने इन्हें लाइट हाउस प्रोजेक्ट का नाम दिया फिलहाल देश में छह अलग अलग जगहों पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है इन लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव तौर तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है इससे कंस्ट्रक्शन का टाइम कम हो जाता है साथ ही जो घर बनते हैं वो अधिक टिकाऊ किफायती और आरामदायक होते हैं मैंने हाल ही में ड्रोन्स के जरिए इन प्रोजेक्ट की समीक्षा भी की और कार्य की प्रगति को लाइव देखा इंदौर के प्रोजेक्ट में ब्रिक और मोर्टार वॉल्स की जगह प्री फेब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है राजकोट में लाइट हाउस फ्रेंच टेक्नोलॉजी से बनाए जा रहे हैं जिनमें टनल के जरिए मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है इस टेक्नोलॉजी से बने घर आपदाओं का सामना करने में कहीं अधिक सक्षम होंगे चेन्नई में अमेरिका और फिनलैंड की टेक्नोलॉजी प्री कास्ट कॉन्क्रीट सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है इससे मकान जल्दी भी बनेंगे और लागत भी कम आएगी रांची में जर्मनी के थ्री कंस्ट्रक्शन सिस्टम का प्रयोग करके घर बनाए जाएंगे इसमें हर कमरे को अलग से बनाया जाएगा फिर पूरे स्ट्रक्चर को उसी तरह जोड़ा जाएगा जैसे ब्लॉक टॉयज को जोड़ा जाता है अगर तला में न्यूजीलैंड की टेक्नोलॉजी का उपयोग कर स्टील फ्रेम के साथ मकान बनाए जा रहे हैं जो बड़े भूकंप को झेल सकते हैं वहीं लखनऊ में कनाडा की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है इस पर प्लास्टर और पेंट की जरूरत नहीं होगी और तेजी से घर बनाने के लिए पहले से ही तैयार दीवारों का प्रयोग किया जाएगा साथियों आज देश में ये प्रयास हो रहा है कि प्रोजेक्ट इंक्यूबेशन सेंटर्स की तरह काम करे इससे हमारे प्लानर्स आर्किटेक्ट्स इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स नई टेक्नोलॉजी को जान सकेंगे और उसका एक्सपेरिमेंट भी कर पाएंगे मैं इन बातों को खास तौर पर अपने युवाओं के लिए साझा कर रहा हूं ताकि हमारी युवा राष्ट्र हित में टेक्नोलॉजी के नए नए क्षेत्रों की ओर प्रोत्साहित हो सके मेरे प्यारे देशवासियों आपने अंग्रेजी की एक कहावत सुनी होगी टू लर्न इज टू ग्रो यानी सीखना ही आगे बढ़ना है जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे लिए प्रगति के नए नए रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं जब भी कहीं लीक से हटकर कुछ नया करने का प्रयास हुआ है मानवता के लिए नए द्वार खुले हैं एक नए युग का आरंभ हुआ है और आपने देखा होगा जब कहीं कुछ नया होता है तो उसका परिणाम हर किसी को आश्चर्यचकित कर देता है अब जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन से राज्य हैं जिन्हें आप सेव एप्पल के साथ जोड़ेंगे तो जाहिर है कि आपके मन में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड का नाम आएगा पर अगर मैं कहूं कि इस लिस्ट में आप मणिपुर को भी जोड़ दीजिए तो शायद आप आश्चर्य से भर जाएंगे कुछ नया करने के जज्बे से भरे युवाओं ने मणिपुर में ये कारनामा कर दिखाया है आजकल मणिपुर के उखरुल जिले में सेब की खेती जोर पकड़ रही है यहाँ के किसान अपने बागानों में सेब उगा रहे हैं सेब उगाने के लिए इन लोगों ने बाकायदा हिमाचल जाकर ट्रेनिंग भी ली है इनमें से एक है टी एस रिंग फॉर्मी ये पैसे से एक एरोनोटिकल इंजीनियर है उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती टी एस एंजल के साथ मिलकर सेब की पैदावार की है इसी तरह अवंगशी शिमरे ऑगस्टिन ने भी अपने बागान में सेब का उत्पादन किया है अवंगशी दिल्ली में जॉब करती थी ये छोड़कर वो अपने गांव लौट गई और सेब की खेती शुरू की मणिपुर में आज ऐसे कई एप्पल ग्रोवर हैं जिन्होंने कुछ अलग और नया करके दिखाया है साथियों हमारे आदिवासी समुदाय में बेर बहुत लोकप्रिय रहा आदिवासी समुदायों के लोग हमेशा से बैर की खेती करते रहे हैं लेकिन कोविड 19 महामारी के बाद इसकी खेती विशेष रूप से बढ़ती जा रही है त्रिपुरा के ऊना कोटी के ऐसे ही बत्तीस साल के मेरे युवा साथी हैं विक्रमजीत चकमा उन्होंने बैर की खेती की शुरुआत कर काफी मुनाफा भी कमाया है और अब तो लोगों को बेर की खेती करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं राज्य सरकार भी ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आई है सरकार द्वारा इसके लिए कई विशेष नर्सरी बनाई गई है ताकि बेर की खेती से जुड़े लोगों की मांग पूरी की जा सके खेती में इनोवेशन हो रहे हैं तो खेती के बाय प्रोडक्ट्स में भी क्रिएटिविटी देखने को मिल रही है साथियों मुझे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किए गए एक प्रयास के बारे में भी पता चला है कोविड के दौरान ही लखीमपुर खीरी में एक अनोखी पहल हुई है वहां महिलाओं को केले के बेकार तनों से फाइबर बनाने की ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया गया बेस्ट में से बेस्ट करने का मार्ग केले के तने को काट कर मशीन की मदद से बनाना फाइबर तैयार किया जाता है जो जूट या सन की तरह होता है इस फाइबर से हैंडबैग चटाई दरी कितनी ही चीजें बनाई जाती हैं इससे एक तो फसल के कचरे का इस्तेमाल शुरू हो गया वहीं दूसरी तरफ गांव में रहने वाली हमारी बहनों बेटियों को आय का एक और साधन मिल गया बनाना फाइबर के इस काम से एक स्थानीय महिला को 400 से 600 सौ रुपये प्रतिदिन की कमाई हो जाती है लखीमपुर खीरी में सैकड़ों एकड़ जमीन पर केले की खेती होती है केले की फसल के बाद आमतौर पर किसानों को इसके तने को फेंकने के लिए अलग से खर्च करना पड़ता था अब उनके पैसे भी बच जाते हैं यानी आम के आम गुठलियों के दाम ये कहावत यहाँ बिल्कुल सतिक बैठती है साथियों एक और बनाना फाइबर से प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ केले के आटे से डोसा और गुलाब जामुन जैसे स्वादिष्ट व्यंजन भी बन रहे हैं कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ और दक्षिण कन्नड़ जिलों में महिलाएं यह अनूठा कार्य कर रही हैं। ये शुरुआत भी कोरोना काल में ही हुई है इन महिलाओं ने न सिर्फ केले के आटे से डोसा गुलाब जामुन जैसी चीजें बनाई बल्कि इनकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है जब ज्यादा लोगों को केले के आटे के बारे में पता चला

পু কথা বা যি পু ৰ ইছাক মুণ্ডা কথা আজি মনে পকাই আমি সম্বলপুৰ যাওঁছোঁ সঠাই অহা আমাৰ মলয় ভৈ মলয় আজি মন কী বাত কাৰ্যক্ৰমেৰে ইচাক মুণ্ডা কথা মনে পকাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী পক্ষে মাধুৰী দেখোন ইয়ে গোটেই বৰযোগ বা বৰ গৰ্ব কথা সম্বলপুৰ জিলা কাংকিনা সম্বলপুৰ জিলা জুজুমুৰা ব্লক বাবুপালী গাঁৱৰ ইছাক মুণ্ডা কথা আজি দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর মন কী বা কার কাজক্রমে উঠেছিল আর ইসাক মুন্ডা যেভাবে কাজ করছেন তাঁর যে প্রশংসনীয় কার কাজ আজ মোদী এক উদাহরণ দিয়ে নিশ্চিত পক্ষে আমি আছু যে ইছাক মুণ্ডা গাঁৱৰে বা বাবুপালী গাঁৱৰ বৰ্তমান আমি অছু ইক মুণ্ডা তাৰ ঘৰ পাৰিছৰ অছু আমাৰ ইছাক মুণ্ডা অঁ তো সৈতে আলোচনা কৰিব যেতিয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইছাক মুণ্ডা কথা যেতিয়া মন কী বাত আলোচনা কৰিলে ইয়াতে ইছাক মুণ্ডা এই খবৰ জানিলা মতে গোটেই খুছি লাগুছে প্ৰথমতো আপোনাক শুভেচ্ছা জনাই আজি দেখু আমি মন কী বাত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আপোনাৰ কথা কওঁ আপোনাৰ কিছু ভিডিঅ' মা যা দেখুও আমি ক' কণ কয় বহুত খুচি লাগুছে আমি তো ইউটুবৰে খালি আমাৰ লাইফষ্টাইলৰ ভিডিঅ' মানে দেউতু বাকী আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী তাক বহুত পচন্দ লাগিল আৰু আমাৰ বিষয়ে কি যা কয়ে আমুক শুনি কৰি আমি দেখিলোঁ আকি কৰি বহুতহি খুচি লাগ্লা আমাৰ ইন'ৰ গাঁৱৰ লোক মানে দেখিলে সবক বহুত খুচি লাগলা ভাবিছিলে আপোনাৰ এমি গোটেই ইউটিউব কৰোঁ আপোনাৰ প্ৰথমে যা ক'লে যা আমি জানো আপোনাৰ কুডি মজিৰে কাম কৰি ভাবিলে কি আপনার এমনি গিয়েট্যুব চ্যানেল খোলি ভিডিও পোস্ট করবে খাইব পিবা ভিডিও এ কথা এতে আগুন বড় বলে ভাবি লাপ না ভাবি থাই আতে আড়লা আমকে তো আপ আগে ভাল ভাল কাম করবার বহু ইচ্ছা লাগুছে দেখা মুন্ডা গোট খুশি কথা ঈশাক মন্ড খুশি হচ্ছে আমি আপনার ঈশাক ঘর চিত্র দেখেবি ইয়ে হচ্ছে ইসাক ঘর চিত্র আপনার জাঁনি এ ঘর ইয়ে জায়গা হচ্ছে সম্বলপুর পাখাখি কোড়িয়ে কিলোমিটর দূরে রয়েছে জঙ্গলিয়া অঞ্চল আপনার চারিপটে জঙ্গল ঘেরা রয়েছে ইয়া ভিতরে এমতি জন যুবক বাড়ি যে যুবক তাঁর যে কার্যশৈলী কিন্তু বর্তমান সময় সারা দেশপ্রাই গোটে গর্বের কথা হচ্ছে ইসাক মুন্ডা ইয়ে হোক দেখুন ঘর ইশাক এই ঘরে পূর্ব তাঁর গোটে ছাটি মাটি ঘর লা ছিতি মটি ঘৰে সেই ৰোহে এইবাবে কিন্তু ইউটুব দ্বাৰা ইউটিউব চেনেল খোলিলে ইউটিউব চেনেল দ্বাৰা ৰোজগাৰ প্ৰশ্ন পচাৰিব আপোনাৰ পূৰ্বৰ কোন কাম কৰোঁ ৰখ পহিলা আমি এই ঠানে হি ৰোঁ লেকিন আমাৰ ঘৰ খপৰ ঘৰ থাকিল কিন্তু ভঙা টুটা বৰ্ষা দিনে বি বহুত গলুৰা বহুত অসুবিধাৰে আমি ৰোলোঁ আগ সন্টা হি কুলি মজুৰি কাম মানে কৰোঁ যেনতা কি যেন ঘৰ কাম হ'ল যেন ঢলাই কাম হ'ল এটা কুলিমুজি কৰোঁ আপোনাক এই আইডিয়া আছিলে জানিলে খোলিলে এইটাই যেতিয়া লকডাউন হৈ গ'ল পহিলা লকডাউন দুই হাজাৰ কোডিৰে ত' সকি বেলেগ কামটো সব বন্ধ হৈ গ'ল ঘৰু বাৰ বাৰ মনা হৈগলা বেলেগ আমি ঘৰে বছি ৰ বেলেগ জিঅ ফোন ভিডিঅ' দেখুখিনি ছু মানে আমাৰ বোলে গোটেই ভিডিঅ' চলাপেৰে যেন গোটেই ভিডিঅ' নেক্সট ভিডিঅ' আইলাহে ভিডিঅ' ঠিক কেনা করে আমি ইউট্যুব আমি ইনকম করে পার্ম বি আমি ভিডিও দিই কিছু রোজগার করেপার্ম ও অযথা আমি খালি ভিডিও মানে দেখুছু আমি এন্টারটেমেন্ট হেউছ লক আমি বি যদি হতে ভিডিও দেওয়া বেলা আমি কিছু দি পয়সা রোজগার করে সাধারণ লোক বা निज पर मुखिया बापा माँ मना मोबाइल गोटे पिला मोबाइल देखते मना मोबाइल घर के मना करोबाइल देखने मोबाइल देखो ना बोलिए हाँ हाँ जिते बे दुई जन बेले कलूँ जो जानबार के पाइल यूट्यूब रु भी कि दी पैसा रोजगार लेकिन करके माँ बापा ना जानी था आमर गाँव रोक मैंने भी नहीं जानी था जिते बेले मोबाइल किस्ती आनलु सब पैसा किए खर्च करना তো আমি বহু মুস্কিল চলু থু আ ভিডিও বনও বেলা আমার গাঁর লোক মানে হসুলে আমি করে কি খালি ভিডিও বনওছে আপ ছাড়ুে কিছু কাম কমানি না আমার বাপা বি কুলে যে যা বি তুমি রখিলে কমাই করে কোরে খরচা করি না ফাইনেসে আনলো মোবাইলটা তুমি কমাই কমে করে ছুয় মানুষ পোষ বল বা আমি সেটা বি আমি

কি আমি কুয়া যাওছু আ যেটা কি জঙ্গল এরিয়া নূন নূয়া পনিপরিবা মানে অনটা কি বাহার লোক মানে নাই জানি সেটা মানে আমি দেখাশু যেটা কি জিপারস আর ওড়শার যে বাসি পখাল আমি আহত খাইসু আহত ভাল লাগে সেটা বেলা সেটা বাহার দেশের নাই জানি থাই সেটা দেখলে তাকে পসন্দ লাগলা আসসক্রাইব করলে এটা করি নূয়া জিনিস মধ্যে দেখবার কে

সে যা না চর্চা হচ্ছে অন্যপটে দেশের প্রধানমন্ত্রী তা প্রশংসা কলে নি দেখুছ যে ভিডিও অত্যন্ত সময় পাশে পকাল এমনি শুখিলা ভাত লুণ মিচা টমটর বিভিন্ন খাদ্য রয়েছে আপনার যেত ভিডিও তেয়ারি করতে এ ভিডিওরে আপনার মুখ্যত মানে সহযোগ এটা ভিডিওটা আমি আমি দি স্বামী স্ত্রী যদি মোবাইল আমি তা সে আসে করুন আপনি সাহায্য নাই কর খালি আমি হি খালি বনাস ঘরে মা বাপা অছেন আই সেবি ম্যারেজ হয়েছেন তার গোটে পু অটা ঝিও ছুঁয়া অনু গোটে বাবু ছুঁয় দেখি পুরো ফ্যামিলিকে অনেক প্রকার ভিডিও তৈরি করছেন খাইবা ভিডিও মধ্যে করছেন ইতরে

एक और विषय है जो मेरे दिल के बहुत करीब है ये विषय है जल संरक्षण का मेरा बचपन जहां गुजरा वहां पानी की हमेशा से किल्लत रहती थी हम लोग बारिश के लिए तरसते थे और इसलिए पानी की एक एक बूंद बचाना हमारे संस्कारों का हिस्सा रहा है अब जनभागीदारी से जल संरक्षण इस मंत्र ने वहां की तस्वीर बदल दी है पानी की एक एक बूंद को बचाना पानी की किसी भी प्रकार की बर्बादी को रोकना ये हमारी जीवन शैली का एक सहज हिस्सा बन जाना चाहिए हमारे परिवारों की ऐसी परंपरा बन जानी चाहिए जिससे हर एक सदस्य को गर्व हो साथियों प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा भारत के सांस्कृतिक जीवन में हमारे दैनिक जीवन में रचा बसा हुआ है वहीं बारिश और मानसून हमेशा से हमारे विचारों हमारी फिलोसॉफी और हमारी सभ्यता को आकार देते आए हैं ऋतु संहार और मेघदूत में महाकवि कालिदास ने वर्षा को लेकर बहुत ही सुंदर वर्णन किया है साहित्य प्रेमियों के बीच ये कविताएं आज भी बेहद लोकप्रिय है ऋग्वेद के पर्जन्य सूक्तम में भी वर्षा के सौंदर्य का खूबसूरती से वर्णन है इसी तरह श्रीमद भागवत में भी काव्यात्मक रूप से पृथ्वी सूर्य और वर्षा के बीच के संबंधों को विस्तार दिया गया है अष्टौ मासपितूम्यासु स्वगो भी ही मक्तुम आर्य पर्जन्य काल आगते अर्थात सूर्य ने आठ महीने तक जल के रूप में पृथ्वी की संपदा का दोहन किया था अब मानसून के मौसम में सूर्य इस संचित संपदा को पृथ्वी को वापिस लौटा रहा है वाकई मानसून और बारिश का मौसम सिर्फ खूबसूरत और सुहाना ही नहीं होता बल्कि यह पोषण देने वाला जीवन देने वाला भी होता है वर्षा का पानी जो हमें मिल रहा है वो हमारी भावी पीढ़ियों के लिए है यह हमें कभी भूलना नहीं चाहिए आज मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों न इन रोचक संदर्भों के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करूं आप सभी को आने वाले पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं पर्व और उत्सवों के समय ये जरूर याद रखिएगा कि कोरोना अभी हमारे बीच से गया नहीं है कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल आपको भूलने नहीं है आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें बहुत बहुत धन्यवाद